राजधानी शिमला के अन्नाडेल वार्ड में अमृत मिशन के तहत 30 लाख रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ रविवार को नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने किया। इस पार्किंग में 20 गाड़ियों को खड़ा करने की सुविधा प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश में आए दिन जाम और पार्किंग की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और इस समस्या को लेकर प्रशासन और सरकार गंभीर है। इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाने के लिए नगर निगम द्वारा अनाडेल वार्ड में अमृत मिशन के तहत 20 गाड़ियों के लिए 30 लाख रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण किया गया है। रविवार को इस पार्किंग का शुभारंभ नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने महापौर का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। सिटी चैनल से बात करते हुए नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने बताया कि अमृत मिशन के तहत 30 लाख की लागत से इस पार्किंग का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पार्किंग में 20 गाड़ियों को खड़ी करने की सुविधा दी गई है, जिसका प्रतिमाह शुल्क 600 रुपए वसूला जाएगा। जो है अमृत मिशन के तहत जो है यहाँ पर पार्किंग का जो है निर्माण किया गया है, जिसमें जो है 30 लाख के करीब जो खर्चा आया है। इसमें कम से कम 20 गाड़ियाँ लगेगी और ये 3 और 4 के लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो है पार्किंग की दिक्कत थी, कहीं भी पार्किंग नहीं थी, इसलिए ये पार्किंग जो है बनाई गई है और ये लोगों को समर्पित कर दी गई है आज, और लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। जैसा आप जानते हैं कि येलो लाइन का भी आजकल बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो आए दिन जो है लोगों के चलान हो रहे हैं। तो मेरा यही सबसे निवेदन है कि अब हमने पार्किंग बना दी, कम से कम 20 गाड़ियां इस पार्किंग पे लगेंगी, तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी आसपास के जो यहाँ लोग रहते हैं सब एप्लीकेशंस दें, और जैसा भी जितनी भी हम गाड़ियां लगाने की कोशिश करेंगे, वैसे 20 का है इसमें टारगेट लगाने का, तो जितनी भी लग पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पार्क हों, ताकि किसी व्यक्ति का कोई चलान ना हो। शुल्क कितना रखा जाएगा, क्या निर्धारित किया? शुल्क इसका अभी 600 प्लस GST है, तो उसके हिसाब से ही अभी रखा गया है, और इसको हम 1 तारीख से जो है इसको जो है दे देंगे सभी लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।